आज मैं संकटी गणेश चतुर्थी की व्रत रखी है। आज 21 जनवरी को माघी संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ा है, तो मैं गणेश जी को भोग लगाने के लिए तिल की लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि माघ के संकटी गणेश चतुर्थी में तिल के लड्डू भोग लगाया जाता है। तो मैं कढ़ाही गर्म होने के लिए रख दिया हूँ। अब कढ़ाही गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूँगी ये तिल। इस तिल को मैंने पहले से ही भिंगो कर खरखर कपड़े पर मिस कर, जैसे रात भर इसे हम भीजने के लिए रख दिया था, जब ये भींग गया फूल गया थोड़ा, तो इसमें से छिलका निकाल कर सुखा कर फटक करके मैंने इसे साफ सुथरा करके रख लिया था। अब मैं इसे भूज रही हूँ, क्योंकि माघ महीने में तिल नहीं खरीदा जाता है, तो मैं पूस में ही खरीद कर गणेश जी के लिए और इसे साफ सुथरा करके रख दिया था। तो अब मैं इसे भूंज रही हूँ। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूजना है, ज़्यादा भूजेंगे तो तिल कड़वा हो जाता है। तो धीरे धीरे स्लो आंच पर 5 मिनट इसे हमें चलाना है। जैसे ये थोड़ा पुट पुट की आवाज़ देने लगता है तो हम इसे निकाल लेंगे। अब देखिए, मैंने गैस बंद कर दिया है और इसी में ये कढ़ाही गर्म है ना, तो उसी में मैं इसे चला रही हूँ। बस 2 मिनट चलाना है। गणेश जी को तो वैसे हर महीना संकटी गणेश चतुर्थी व्रत बहुत से लोग करते हैं, लेकिन माघ में और भादो वाला संकटी गणेश चतुर्थी व्रत बहुत लोग करते हैं। तो माघ के संकटी गणेश चतुर्थी में गणेश जी को तिल का लड्डू चढ़ाया जाता है। तिल के लड्डू से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को तो अभी लड्डू पसंद हैं, उनका तो मोदक भोजन ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माघ के संकटी गणेश चतुर्थी में वो तिल के लड्डू पसंद करते हैं। तो आज के दिन उन्हें तिल का लड्डू चढ़ाया जाता है। 7 लड्डू गिनकर उनको आज भोग लगाया जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज बना रही हूँ तो सभी को बता दूँ कि आज के दिन आप अपने घर में तिल के लड्डू बनाकर गणेश जी को भोग लगाइए। अब ये तिल तो भूज करके मैं निकाल ली है, अब इसमें पाक बनाऊंगी। पाक बनाने के लिए मैं डाली हूँ थोड़ा सा पानी, बहुत कम पानी डाली हूँ, क्योंकि 200 ग्राम मैंने 250 ग्राम तिल है, तो मैंने 200 ग्राम गुड़ लिए हैं। गुड़ ज़्यादा है, लेकिन भगवान के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा मीठा ही अच्छा रहेगा। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँ कि जैसे कि गुड़ गल जाए, गुड़ को गलाने के लिए। मैं इसे गुड़ का वो बड़ा बड़ा टुकड़ा है तो इसमें छनाटा से मिला ले रही हूँ। इसे मैं हल्के आंच पर पाक बनाऊंगी। आप इसे छनौटा, कितने लोग छनौटा कहते हैं, कितने लोग करछुल कहते हैं, कितने लोग झांझ कहते हैं, आपके जो यहाँ जो भाषा यूज हो रहा हो। और गणेश जी के लिए एक बात और ध्यान रखना है कि काले तिल का ही लड्डू बनाइए। अगर आपके यहाँ नहीं मिल रहा हो तब मजबूरी में सफ़ेद तिल का लड्डू बनाना, नहीं तो काले तिल का ही लड्डू बनाना। कोई भी भगवान की पूजा पाठ में काले तिल का ही प्रयोग किया जाता है, तो गणेश जी के लिए काले तिल का ही लड्डू बनाना चाहिए। लेकिन जहाँ पर नहीं मिलता है काला तिल, वहाँ पर आप सफ़ेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अब ये मेरा पाक गुड़ अच्छा से पिघल गया है। गणेश जी बहुत दयालु हैं, विघ्न हरता है, संकट हरता है। हर माँ इस व्रत को करती हैं अपने पुत्र पौत्र की रक्षा के लिए, अपनी भाग सौभाग्य के रक्षा के लिए, अपने घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए सभी औरतें ये व्रत रखती हैं। प्रायः सभी औरतें व्रत रखती हैं, ऐसा ही कोई है जो नहीं रखता है। तो आज के दिन व्रती दिन भर व्रत करती हैं। रात में जिनके पास नया वस्त्र है वो नया वस्त्र पहनती है। अब मैंने इसमें अदरक डाला है, क्योंकि अब पाक हो चुकी है, तो मैंने इसमें थोड़ा अदरक डाल दिया है।
आद कहते हैं, कहीं कहीं से आद भी कहते हैं। 1 इंच आद का टुकड़ा मैंने डाल दिया, अगर आपके पास आद हो तो डालिए, नहीं है तो नहीं भी डाल सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ, घी भी आप डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है घी डालना। मैंने ये भगवान के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा स्पेशल कर दे रही हूँ इसमें, कि कितना अच्छा बने कि भगवान गणेश जी भोग लगाएं, मेरे प्रसाद को स्वीकार करें और मुझे मन इच्छित फल की प्राप्ति हो। तो इसलिए मैं, ये पाक हो चुका है, देखिए अब इसमें से ये कड़ाही छोड़ने लगा है। जब पाक हो जाता है ना तो कड़ाही छोड़ने लगता है, तभी पता चल जाता है कि ये पाक हो चुका है। वैसे इसमें ज़्यादा कड़ा पाक भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या कह रही थी कि आज के दिन जो व्रती व्रत करते हैं, शाम को स्नान करते हैं, फिर अपना जो सुहाग की चीज़ है जैसे कि हाथ पैर रंगना, अच्छा कपड़ा पहनना, ये सब ने पूरा श्रृंगार करनी चाहिए आज के दिन, क्योंकि भगवान को, अच्छा देखिए अब ये पाक मेरा हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी तेल, पहले मैं ये भूंगा हुआ तेल जो है जो आधे डाल करके पहले मिला ले रही हूँ, एक भी बार में पूरा नहीं डालना है, पहले मैं आधे डाल करके मिला ले रही हूँ और फिर मैं डालूंगी इसमें जो बचा हुआ तिल है, सो फिर मैं इसी में डाल दे रही हूँ। अब ये कितना अच्छा पाक बना है, ये तैयार हो गया है। अब ये तो अभी बहुत गर्म है, बस मैं 2 मिनट के लिए ठंडा होने दे रही हूँ, तो अभी इसमें हाथ लगाऊंगी तो हाथ जल जाएगा। बस थोड़ा ठंडा होना है, यानी कि ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर बांधने में दिक्कत होगा। अब ये मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, मैंने निकाल ले रही हूँ कढ़ाई में से, मैं ये सारा तेल निकाल ले रही हूँ। सारे तेल को निकाल लीजिए और अब इसे मैंने, ये गर्म है ना हाथ लगाने, तो हाथ में पानी लगाकर इसे मैं छाछ में से ये सारा तेल निकाल रही हूँ। ये निकालने से पहले हाथ में पानी या घी कुछ लगा ले, नहीं तो हाथ में चिपक जाए। अब मैं पानी लगा, हाथ में पानी लगाकर हल्के हाथ से, अब 2 मिनट हो चुका है जब ये बांधने वाला हो गया है, तो अब मैं गणेश जी को भोग लगाने के लिए लड्डू बना रही हूँ। सात लड्डू गणेश जी को भोग लगाने के लिए रखूंगी और जो बचेगा वो मैं घर में इष्ट देवता हैं, तुलसी माता हैं, उन सबको भोग लगाऊंगी, मैं सब भगवान को भोग लगाऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये लड्डू बनाकर मैं 7 लड्डू गणेश जी के लिए रख लूंगी, गणेश जी को रात में 7 लड्डू भोग लगाना है। आप भी अपने घर में ऐसे संकटी चतुर्थी के दिन नहा धो करके घर में लड्डू बनाइए, गणेश जी को भोग लगाइए और गणेश जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि हमारे सभी परिवार को, सभी देशवासियों को,
सभी संकट से उबारे। सब पर गणेश जी अपना कृपा बनाए रखें, गणेश जी की कृपा सब पर बनी रहे। जय गणेश जी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।